मैडम तो इसी के साथ जी, मैं थैंक यू स्वागत मैडम, करती हूँ थैंक आदरणीय तरुण कुमार दधीचि जी का, जो कि उदयपुर से हैं और निबंध लेखन साहित्य में बहुत ही आयाम ऊंचे छू चुके हैं। और मैं उनको सादर अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर अपने लाइव को प्रस्तुत करें। इस 15 दिवसीय कविता महायज्ञ के आयोजन के आज तीसरे दिन सभी स्वागत है, आयोजक स्वागत है वर्गों आपका का, सर, सर स्वागत है आप सभी तरुण जी, का आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आभार, अपना काव्य पाठ करें। आपका मैं अपनी पहली रचना सुनाऊंगा, क्योंकि हिंदी का आयोजन है, हिंदी को समर्पित है। शीर्षक है प्यारी हिंदी। जैसा देखा वैसा लिखा, जैसा लिखा वैसा बोला, जैसा बोला वैसा पढ़ा, और जैसा पढ़ा वैसा लिखा। ऐसी मेरी भाषा हिंदी, नदी के प्रवाहमान जैसी भाषा, सतत गतिमान भाषा, वैज्ञानिक भाषा, सूत्रबद्ध भाषा। जैसे बहे गंगा कालिंदी, जैसे बहे गंगा कालिंदी, ऐसी मेरी प्यारी हिंदी, ऐसी मेरी प्यारी हिंदी। बेहतरीन, जी, अगली कविता मेरी है, जो कि हम सबके लिए है, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, वृद्धों के लिए। शीर्षक है उसका अपना घर। सबके अलग अलग रहने को, सबके अलग अलग रहने को बने हुए हैं अपने घर। सबके अलग अलग रहने को बने हुए हैं अपने घर। पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, मगरमच्छ जल के अंदर, मगरमच्छ जल के अंदर। चूहे सांप बिलों में रहते, चूहे सांप बिलों में रहते, बांबी में दीमक चींटी, बना मोम का छत्ता उसमें, बना मोम का छत्ता उसमें रहने लगती मधुमक्खी। शेर गुफाओं में रहते हैं, शेर गुफाओं में रहते हैं, हिरण सुरंगों में छिपकर। शेर गुफाओं में रहते हैं, हिरण सुरंगों में छिपकर, चमगादड़ खोहों में रहते, उल्लू का घर है खंडर, उल्लू का घर है खंडर। बया घोंसलों में रहती है, बया घोंसलों में रहती है, बंदर नहीं बनाते घर। बया घोंसलों में रहती है, बंदर नहीं बनाते घर। महल दुमहला हो या छप्पर, महल दुमहला हो या छप्पर, सबसे प्यारा अपना घर, सबसे प्यारा अपना घर। बहुत सुंदर, ये कवि बहुत सुंदर आपकी रचना आदमी। जी, शिक्षक दिवस नजदीक है, 5 सितंबर को शिक्षकों को समर्पित मेरी अगली कविता है, आदर्श शिक्षक। पेश है, एक नवयुवक विद्यालय में शिक्षक बनकर आया। एक नवयुवक विद्यालय में शिक्षक बनकर आया। बाबूजी ने उन्हें सेवा पुस्तिका की पूर्ति के लिए बुलवाया। बाबूजी ने उन्हें सेवा पुस्तिका की पूर्ति के लिए बुलवाया। लिखते लिखते बाबूजी बोले, लिखते लिखते बाबूजी बोले, अपनी पहचान के तो निशान बताइए। लिखते लिखते बाबूजी बोले, अपनी पहचान के दो निशान बताइए और सेवा पुस्तिका का काम पूरा करवाइए। लिखते लिखते बाबूजी बोले, अपनी पहचान के दो निशान बताइए और अपनी सेवा पुस्तिका का काम पूरा करवाइए। शिक्षक ने देखा चोट के निशान शरीर पर नहीं थे। शिक्षक ने देखा चोट के निशान शरीर पर नहीं थे, इससे दोनों ही दुविधा में पड़े थे, इससे दोनों ही दुविधा में पड़े थे। शिक्षक बोला, हम उद्दंड थे नहीं। शिक्षक बोला, हम उद्दंड थे नहीं, भला सीधे लोगों के निशान होते हैं कहीं। हम उद्दंड थे नहीं, भला सीधे लोगों के निशान होते हैं कहीं। फिर कुछ सोचकर शिक्षक ने मूड में आकर फिर कुछ सोचकर शिक्षक ने मूड में आकर कहा,
लिखिए बाबूजी दो निशान, लिखिए बाबूजी दो निशान, पहला दंत श्वेत और दूजा केश श्याम, पहला दंत श्वेत दूजा केश श्याम। बाबूजी बोले देखो राष्ट्र निर्माता, बाबूजी बोले देखो राष्ट्र निर्माता, दांत टूट भी सकते हैं और बाल सफेद हो ही जाते हैं, कोई स्थायी निशान हो तो बताओ, कोई स्थायी निशान हो तो बताओ, सेवा पुस्तिका के काम को अधर में मत लटकाओ, सेवा पुस्तिका के काम को अधर में मत लटकाओ। शिक्षक ने कहा जो होना है वो होकर रहेगा, शिक्षक ने कहा जो होना है वो होकर रहेगा, दांत रहे ना रहे, दांत रहे ना रहे, बाल सफेद हो ना हो, मन सदा श्वेत रहेगा, मन सदा श्वेत रहेगा। बाबूजी अपलक नेत्र और उत्सुक मन थे, बाबूजी अपलक नेत्र और उत्सुक मन थे, और कुछ सुनने को आतुर थे, और कुछ सुनने को आतुर थे। शिक्षक बड़े गर्व से बोला, शिक्षक बड़े गर्व से बोला, अपने भीतर का ईमान बाबूजी के समक्ष खोला, अपने भीतर का ईमान बाबूजी के समक्ष खोला। दांत और बालों से भला शिक्षक की पहचान होती है कहीं? दांत और बालों से भला शिक्षक की पहचान होती है कहीं? जो मन कर्म और वचन से ईमानदार नहीं, वह कुछ भी हो सकता है परंतु आदर्श शिक्षक नहीं, वह कुछ भी हो सकता है किंतु आदर्श शिक्षक नहीं। बहुत सुंदर आदरणीय, आपके लिए बहुत सुंदर कमेंट आए हैं। मेरी निदेशिका पल्लवी नौटियाल जी का है, कमेंट स्वागत जी कर रही हैं। और नीता जोशी जी आपको वाह वाह कह रही हैं, सुंदर सु कह रही हैं, क्या बात कही सर कह रही हैं। और मैं आपके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। समंदर जी में जो उतरे हैं पता है उनको साहिल का, जो बैठे सोचते रहते निशा पाते न मंजिल का, अगर तूफान से डरते नहीं आते समंदर में, करेंगे सामना हर हाल में हर एक मुश्किल का। तो स्वागत है आपकी, अगली रचना के लिए चलते हैं। जी आपका आभार। और शिक्षक दिवस पर रचना सुनाने के बाद में मैं हिंदी दिवस पर समर्पित पूर्व में ही एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, मुझे अवसर मिल स्वागत रहा है आज, जी, तो मैं स्वागत। चाहता हूँ कि इसका शीर्षक है तेरा मेरा व्याकरण, प्रस्तुत है आपके समक्ष। प्रिय, प्रिय तुम्हारा और मेरा नाम संज्ञा है, प्रिय तुम्हारा और मेरा नाम संज्ञा है, तुम्हारे स्थान पर मैं, तुम्हारे स्थान पर मैं और मेरे स्थान पर तुम, तुम्हारे स्थान पर मैं और मेरे स्थान पर तुम, जब प्रयुक्त होते हैं तब हम सर्वनाम हो जाते हैं, तब हम सर्वनाम हो जाते हैं। हम दोनों में गुण दोष समान है फिर भी, हम दोनों में गुण दोष समान है फिर भी हम विशेषण कहलाते हैं, हम विशेषण कहलाते हैं। जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। मैं नर पुल्लिंग हूं, मैं नर पुल्लिंग हूं, तुम मादा स्त्रीलिंग हो, तुम मादा स्त्रीलिंग हो। मैं एक वचन, मैं एक वचन, हम बहुवचन, हमारा प्रादुर्भाव भूत, संप्रति वर्तमान और आने वाला कल भविष्य होगा, आने वाला कल भविष्य होगा। हमारे विचार विनिमय, हमारे विचार विनिमय संबोधन समस्त क्रियाकलाप बिना कारक और विभक्ति के अधूरे रहते हैं, बिना कारक और विभक्ति के अधूरे रहते हैं। हम अधूरे थे, हम अधूरे थे जब परिणय सूत्र में बंधे, पर जब परिणय सूत्र में बंधे और गठबंधन हुआ, और गठबंधन हुआ, स्वर व्यंजन और विसर्ग मिले, आपस में मिलते गए, स्वर व्यंजन और विसर्ग मिले और आपस में मिलते गए, और संधि हो गई, और संधि हो गई,
तुम्हारा और मेरा अस्तित्व समास बन गया, तुम्हारा और मेरा अस्तित्व समास बन गया। तुम इस पहल में आगी रही उपसर्ग की तरह, तुम इस पहल में आगे रही उपसर्ग की तरह, मैं परिणय के लिए पीछे लगा रहा प्रत्यय की तरह, मैं परिणय के लिए पीछे लगा रहा प्रत्यय की तरह। फिर अर्थ में परिवर्तन आने लगे, फिर अर्थ में परिवर्तन आने लगे, हम एक दूजे को भाने लगे, हम एक दूजे को भाने लगे। अब आदर्श वाक्यों से प्रेम कहानी सफल बनानी है, प्रेम कहानी सफल बनानी है, थोड़ा रुकना, थोड़ा ज्यादा रुकना, कभी रुक जाना, अरे क्या हुआ, चलते रहना है पूर्ण विराम तक, चलते रहना है पूर्ण विराम तक, क्योंकि तुम मेरा पर्याय हो, क्योंकि तुम मेरा पर्याय हो। यदा कदा विलोम हो, यदा कदा विलोम हो, पर मेरी युग्म हो, पर मेरी युग्म हो, भिन्नार्थक भी हो, भिन्नार्थक भी हो और समानार्थक भी हो, भिन्नार्थक भी हो और समानार्थक भी हो। परमात्मा में विश्वास है तुम्हें, तुम आस्तिक भी हो, परमात्मा में तुम्हें विश्वास है, तुम आस्तिक भी हो। हमारे जीवन के क्रम का, हमारे जीवन के क्रम का अनूठा उदाहरण बना रहे, हमारे जीवन के क्रम का अनूठा उदाहरण बना रहे, नींव से सुदृढ़ता लिए, नींव से सुदृढ़ता लिए, यह स्नेहबद्ध व्याकरण बना रहे, यह स्नेहबद्ध व्याकरण बना रहे। बहुत सुंदर प्रश्न आपकी आदानी, क्या बात है, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। सुनीता सिंह जी कह रही हैं क्या बात है, योगिता त्यागी जी कह रही हैं वाह वाह बहुत सुंदर रचना। डॉक्टर रानू श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, योगिता त्यागी जी कह रही हैं बहुत सुंदर समावेश, प्रेम रस को हिंदी व्याकरण में के साथ रचना तुलनी है जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी रचना के लिए, खूबसूरत पंक्तियां सुनीता सिंह जी कह रही हैं। सुनीता जी को नमस्कार जी। अगली कविता के लिए संक्षिप्त में एक दो पंक्तियों में भूमिका है। आजकल पुराने मकानों को तोड़कर नए मकान बना लिए जाते हैं, और बेटा ने नया मकान बनाया है, माँ को बुला रहा है, लेकिन माँ नहीं जाती, क्यों नहीं जाती, देखिए माँ तुम क्यों नहीं आती, माँ तुम क्यों नहीं आती, देखो पुराने घर को मैंने नया बनवा लिया है, माँ तुम क्यों नहीं आती, देखो पुराने घर को मैंने नया बनवा लिया है, सब आराम और सुख सुविधा का काम करवा लिया है, सब आराम और सुख सुविधा का काम करवा लिया है। जहां पर पहले गाय बंधती थी वहां एक नई दुकान बनवा ली है, जहां पहले गाय बनती थी वहां एक दुकान बनवा ली है। दुकान वाला आनंदी महीने के 10,000 किराए के दे जाएगा, दुकान वाला आनंदी महीने के 10,000 किराए के दे जाएगा, और कृष्णा दूध वाला महीने के 2,000 दूध के ले जाएगा, और कृष्णा दूध वाला 2,000 दूध के ले जाएगा। माँ मैं तुम्हें चार धाम की यात्रा करवाऊंगा, माँ मैं तुम्हें चार धाम की यात्रा करवाऊंगा, तुम आओ, तुम चलो मेरे साथ चलो। माँ बोली मेरे चारों धाम तो तेरे बाबूजी के खरीदे हुए खेत पर बने टापरे में है बेटा, माँ बोली मेरे चारों धाम तो तेरे बाबूजी के खरीदे हुए खेत पर बने टापरे में है बेटा, तू रोजाना जब जी चाहे आ जाना, तू रोजाना जब जी चाहे आ जाना, गाय का दूध भी पी जाना, गाय का दूध भी पी जाना, और जब मैं छाछ मिलूं,
और जब मैं छाछ पिलाऊं तो माखन भी खा जाना, माखन भी खा जाना। क्या बात है। गांव और शहर के परिवेश को समावेश करती हुई आपकी खूबसूरत रचना आदरणी, बहुत आनंद आया सुनकर। सभी लोग आपके लिए खूबसूरत कमेंट कर रहे हैं। योगिता त्यागी जी कह रही है वाह वाह बहुत उम्दा। सुनीता सिंह जी कह रही है क्या बात है। लव कुमार प्रणय जी कह रहे हैं बहुत सुंदर बेहतरीन। नीता जोशी जी कह रही हैं जो हमारी सह निदेशिका है इस पटल की आदरणीया, जी बहुत सुंदर कह रही हैं आपकी रचना को लिए। और श्री आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं पटल से, वो आपकी रचना के लिए वाह वाह कर रहे हैं। मैं उनको हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि श्रोता है तो हम है, तो श्रोता का हार्दिक अभिनंदन मैं सभी का करती हूँ। लाजवाब कह रहे हैं आदरणीय, सुंदर भी कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी रचना के लिए। जी सभी का आभार और अभिनंदन कि मेरी रचनाओं को आप द्वारा सराहा जा रहा है, सभी का आभार। अगली कविता भी इस तरह से ही है मेरी, जो कि वर्तमान परिवेश को चित्रित करती हुई है। चंपा की डोली, शीर्षक है इसका चंपा की डोली। बचपन के मेरे एक मित्र ने आकर, जी स्वागत। बचपन के मेरे एक मित्र ने आकर बेटे के ब्याह नहीं होने का, बचपन के मेरे एक मित्र ने आकर बेटे के ब्याह नहीं होने का अपना दर्द मुझे बताया, अपना दर्द मुझे बताया। यार बेटे के लिए तुझसे कई बार कहा, पर तूने आज तक कोई रिश्ता नहीं बताया। तुझे बेटे के लिए खूब कहा, पर अब तक तूने कोई रिश्ता नहीं बताया। सुनकर मित्र सोचता रहा, पर बहुत कुछ सोच कर उपाय नहीं बता पाया, बहुत कुछ सोचकर भी उपाय नहीं बता पाया। भाभी ने सुनकर यह बात, बरसों का जमा अपना दुखड़ा सुनाया, बरसों का जमा अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने कुछ इस तरह बताया, ये आपकी क्या मदद करेंगे, ये आपकी क्या मदद करेंगे जिन्होंने सदा स्वार्थ का मार्ग अपनाया, ये आपकी क्या मदद करेंगे जिन्होंने सदा ही स्वार्थ का मार्ग अपनाया। बेटे की चाहत में इन्होंने कोख में ही भीतर अपनी बेटियों को मरवाया, भीतर ही भीतर अपनी बेटियों को मरवाया। मैंने तो अपना धर्म निभाया। कहते कहते भाभी का भारी मन आंखों में भर आया, कहते कहते भाभी का भारी मन आंखों में बह आया। वो होती तो उसका घर मैं आज बसाती, तुम्हारे रामू से रिश्ता जोड़कर चंपा की डोली न उठवाती, तुम्हारे रामू से रिश्ता जोड़कर चंपा की डोली नहीं उठ पाती। पर अब हम अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं, पर अब हम अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। संतान की झूठी आशा में खुद को कोस रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं। आंखों में भर आया है, वो होती तो आज उसका घर बसाती, वो होती तो आज उसका घर बसाती। हम अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। संतान की झूठी आशा में खुद को कोस रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं। बहुत ही सुंदर रचना आदरणीय आपकी। प्रमला व्यास जी कह रही है वाह अद्भुत। पारुल अग्रवाल मित्तल जी बेहतरीन अनुकरणीय वाह वाह अद्भुत। और नीता जोशी जी कह रही है बहुत सुंदर बेहतरीन। सुनीता सिंह जी कह रही है क्या बात है। और ये डॉक्टर रानू श्रीवास्तव जी कह रही है बहुत ही सुंदर। आपके लिए मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। जी कब कहा मैंने कि मुझको तू सहारा दे मुझे, कब कहा मैंने कि मुझको तू सहारा दे मुझे, मेरी किस्मत में लिखा मुझको सितारा दे मुझे, मेरी किस्मत में लिखा मुझको सितारा दे मुझे। टूटती कश्ती बहुत तूफान में अक्सर दिखा, टूटती कश्ती बहुत तूफान में अक्सर दिखा,
या खुदा मुझको कभी अपना किनारा दे मुझे, या खुदा मुझको कभी अपना किनारा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं आदरणी आपकी रचना के बहुत लिए। नीता जोशी जी फिर कह रही है बहुत बढ़िया, और आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी भी कह रहे हैं बेहतरीन। तो जी चलते हैं आपके लिए, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिक्रिया आ रही है, और हम अपने सभी श्रोतागण का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं द मैजिक मैन एंड चंदा ग्रुप पर। स्वागत है आप सभी का। आप सभी का आभार और आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। सरिता सुतारिया जी भी जुड़ी हुई है, सॉरी सरला सुतारिया जी जुड़ी हुई है, वाह वाह कह रही है, और नीता जोशी जी मेरे लिए कह रही है वाह दीपा जी, धन्यवाद आदरणीया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली मेरी कविता है, उसका शीर्षक है वजन। सभी के साथ घटित होती है और होती रहती है वही चीज आपके समक्ष मेरे शब्दों के द्वारा इस कविता के माध्यम से। एक महकमे में कंचेती लाल जी, एक महकमे में कंचेती लाल जी सरकारी मुलाजिम थे। सरकारी मुलाजिम थे 20 बरस तक। 20 बरस तक एक ही जगह टिके रहने के कारण, 20 बरस तक एक ही जगह टिके रहने के कारण दूर स्थानांतरित कर दिए गए। दूर स्थानांतरित कर दिए गए, पूरा साल निकल गया, पूरा साल निकल गया पर जुगाड़ कोई जमा नहीं। पूरा साल निकल गया पर जुगाड़ कोई जमा नहीं। येन केन प्रकरण से भी काम कोई चला नहीं। पूरा एक साल निकल गया, कोई जुगाड़ जमा नहीं। येन केन प्रकरण से भी काम उनका बना नहीं। समय बदला, समय बदला, मौका आया तुरंत प्रार्थना पत्र लगाया। समय बदला, मौका आया तुरंत प्रार्थना पत्र लगाया। वजह माता पिता के और अस्वस्थ वृद्ध होने से देखभाल करना आवश्यक बताया। माता पिता के वृद्ध होने से उनकी देखभाल का करना बताया। सौभाग्य से समीकरण बैठ, सौभाग्य से समीकरण बैठ गया। उनका स्थानांतरण इच्छित स्थान पर हो गया। उनका स्थानांतरण इच्छित स्थान पर हो गया। घर वालों ने खूब खुशियां मनाई, घर वालों ने खूब खुशियां मनाई। इष्ट मित्रों और पड़ोसियों को मिठाई खिलाई, इष्ट मित्रों और पड़ोसियों को मिठाई खिलाई। अगले दिन वे अपनी धर्म पत्नी से बोले, अगले दिन वे अपनी धर्म पत्नी से बोले, तैयार हो जाओ भगवान, तैयार हो जाओ भगवान, हमें बाहर का एक काम निपटाना है। तैयार हो जाओ भगवान, हमें बाहर का एक काम निपटाना है। माता पिता से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने वृद्धाश्रम तक जाना है, वृद्धाश्रम तक। तो ये की रचना आपकी बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, और सभी लोग आपको कमेंट कर रहे हैं बहुत ही सुंदर, वाह वाह। और किरण बाला किरण जी जुड़ गई हैं, वो आपका स्वागत अभिनंदन और वंदन कर रही हैं। आपके लिए मैं चंद पंक्तियां अपनी गजल से पिता के लिए कहना चाहूंगी। हर पिता कुर्बान अपने लाल पर सारा हुआ, हर पिता कुर्बान अपने लाल पर सारा हुआ, जन्मदाता वो प्रदाता पर वही मारा हुआ, जन्मदाता वो प्रदाता पर वही मारा हुआ, कौन सी छोड़ी कसर तालीम देने की यहाँ, कौन सी छोड़ी कसर तालीम देने की यहाँ, नूर सा जीवन दिया है राह चमकाया हुआ। चलिए स्वागत है वाह, आदरणीय आपकी अगली रचना के लिए। अगली रचना भी मेरी वर्तमान परिवेश पर कटाक्ष करती हुई है और उसका शीर्षक है वह मर गई। वह मर गई, हमारे पड़ोसी की बेटी, हमारे पड़ोसी की बेटी देश का गौरव बढ़ाने के लिए, हमारे पड़ोसी की बेटी देश का गौरव बढ़ाने के लिए, ऊंची पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर गई थी। दूसरे शहर गई थी, पढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, पढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। एक बार वो दिन दहाड़े, एक बार वो दिन दहाड़े बलात्कार का शिकार हो गई थी।
बलात्कार का शिकार हो गई थी। इस घटना से वह ग्लानि से भर गई थी। इस घटना से वह ग्लानि से भर गई थी। उसमें जीने की चाह मर गई थी। उसकी जीने की चाह मर गई थी। फिर एक दिन एक चौंकाने वाली खबर आई। फिर एक दिन एक चौंकाने वाली खबर आई। उसने अपनी शांति के लिए फांसी लगाई। उसने अपनी शांति के लिए फांसी लगाई। उसके सुसाइड नोट ने सबकी आंखें झुकाई। उसके सुसाइड नोट ने सबकी आंखें झुकाई। उसने लिखा था, अब मेरा सारा जीवन व्यर्थ होगा। अब मेरा सारा जीवन व्यर्थ होगा। जीने का न कोई अर्थ होगा। एक बार मैली हो गई, अब शादी का न कोई उत्साह होगा। बिना गलती किए किसी की नजर मिलाने का मन न होगा। उन्हें चाहे फांसी मिले, पर मेरे जीवन में न कभी प्रकाश होगा, पर न मेरे जीवन में कभी प्रकाश होगा। जा रही हूं भारी मन से, लेकिन मेरी बात पर ध्यान जरूर देना। बलात्कारी जब तक ऐसा करते रहेंगे, तब तक हम शर्मसार होते ही रहेंगे, शर्मसार होते ही रहेंगे। मेरे मौत की खबर टीवी चैनलों पर आएगी। मेरे मौत की खबर टीवी चैनलों पर आएगी। देश के अखबारों में छा जाएगी। सब कहेंगे बलात्कार की वेदी पर एक और गई। सब कहेंगे बलात्कार की वेदी पर एक और गई। देखो वह मर गई। वाह वाह, बेहतरीन रचना आपकी आदरणीय। मैं इसी रचना के उपलक्ष्य में आपकी एक कुंडलियां प्रस्तुत करूंगी, सुनेगा। दहशत गर्दों से बचो, ये होते हैवान, इंसानों के भेष में छिपे हुए शैतान, छिपे हुए शैतान करें नारी पर अत्याचार। पत्थर दिल इंसान न छोड़े, नारी और नारा ना नर और नारी, कहती है यह दीप भरी है इनमें बहसत, करते हैं बस नाश दिखाकर अपनी दहशत। चलिए अगली रचना के लिए आपके बढ़ते हैं आदरणीय। जी, अगली रचना में है मेरी मातृशक्ति को समर्पित, क्योंकि मैं उनमें कहना चाहता हूं कि प्रश्न है मेरा, बोलो तुम क्या करोगी ऐसी स्थिति में, क्योंकि प्रेम के दो पक्ष हैं, श्रृंगार और श्रृंगार का वियोग पक्ष और संयोग पक्ष। तो ऐसी स्थिति में समर्पित है आप सभी के लिए। याद मेरी जब तुम्हें तड़पाएगी, याद मेरी जब तुम्हें तड़पाएगी, विरह अग्नि धीमे धीमे जलाएगी। याद मेरी जब तुम्हें तड़पाएगी, विरह अग्नि धीमे धीमे जलाएगी। मिलन की उत्कंठा बढ़ती जाएगी। बोलो तब तुम क्या करो। जब महकती बयार हुक उठाएगी, जब महकती बयार हुक उठाएगी, अतीत की स्मृतियां छाती ही चली जाएगी। अतीत की स्मृतियां छाती ही चले जाएगी। दिले नादान को बेकरार करती चली जाएगी। दिले नादान को बेकरार करती चली जाएगी। बोलो तब तुम क्या करोगे। बोलो तब तुम क्या करोगे। जब बरखा की फुहार अगन लगाएगी, ग्रीष्म की ताप में तपन बढ़ती जाएगी। जब बरखा की फुहार अगन लगाएगी, ग्रीष्म की ताप में तपन बढ़ती जाएगी। सर्दी की लंबी रातें काटे न कट पाएगी। बोलो तब तुम क्या करोगी। बोलो तब तुम क्या करोगे। जब अपनी परछाई ही पीछे पीछे आएगी, दर्पण में खुद की छवि तुम्हें डराएगी। दर्पण में खुद की छवि तुम्हें डराएगी। हर आहट तुम्हें बेचैन कर जाएगी। हर आहट तुम्हें बेचैन कर जाएगी। बोलो तब तुम क्या
करोगे, बोलो तब तुम क्या करोगे। भूले भटके से ही कोई सपना आएगा, भूले भटके से ही कोई सपना आएगा, प्रिय से मुलाकात भी करा जाएगा। भूले भटके ही कोई सपना आएगा, प्रिय से मुलाकात भी करा जाएगा, इस बीच गर कोई बैरी नींद उड़ा जाएगा, इस बीच अगर कोई बैरी नींद उड़ा जाएगा, तो बोलो तब तुम क्या करोगी, बोलो तब तुम क्या करोगे। जब चकोर चकोरी का जोड़ा दिख जाएगा, जब चकोर चकोरी का जोड़ा दिख जाएगा, अंतर मन में गहरी हलचल मचाएगा, अंतर मन में गहरी हलचल मचाएगा, और मेरे पच्चाप का तुम्हें भ्रम हो जाएगा, और मेरे पच्चाप का तुम्हें भ्रम हो जाएगा, बोलो तब तुम क्या करोगी, बोलो तब तुम क्या करो। क्या बात है, बेहतरीन रचना आदरणी। रोशनी आंखों की मुबहम, क्या करें, खाए जाता है यही गम, क्या करें, वो नहीं आए गए परदेश हैं, और ये बारिश का मौसम, क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी रचना के लिए। जी, अगली कविता के रूप में मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूंगा जो आह्वान गीत के लिए है, नई पीढ़ी के लिए। मैं चाहता हूं कि वो निरंतर अग्रसर हो। शीर्षक है चल जी चल पथिक, स्वागत है। चल चल पथिक तू चल, चल चल पथिक तू चल, ठहरा है जाने कब से, ठहरा है जाने कब से, कब पाएगा मंजिल, चल चल पथिक तू चल, चल चल पथिक तू चल। एक जगह तू पड़ा रहा, एक जगह तू पड़ा रहा, जड़ होकर क्यों अड़ा रहा, एक जगह तू पड़ा रहा, जड़ होकर क्यों अड़ा रहा, चेतनता से ही मिल पाएगी, चेतनता से ही मिल पाएगी तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल, चल चल पथिक तू चल, चल चल पथिक तू चल। सपने तूने दिन में देखे, सपने तूने दिन में देखे, हाथ पर हाथ धरकर देखे, सपने तूने दिन में देखे, हाथ पर हाथ धरकर देखे, सक्रियता से ही मिल पाएगी तुझे तेरी मंजिल, सक्रियता से ही मिल पाएगी तुझे तेरी मंजिल, चल चल पथिक तू चल, चल चल पथिक तू चल। अपनी ठोर ही घूमता रहा, अपनी ठोर ही घूमता रहा, बड़ा नहीं तू वहीं रहा, अपनी ठोर तू घूमता रहा, वहीं रहा तू नहीं रहा, दृढ़ता से ही मिल पाएगी, दृढ़ता से ही मिल पाएगी तुझे तेरी मंजिल, चल चल पथिक तू चल, चल चल पथिक तू चल। तू बस सोचता ही रहा, तू बस सोचता ही रहा, झूठे सपने ही बुनता रहा, झूठे सपने ही बुनता रहा, कर्मठता से ही मिल पाएगी, कर्मठता से ही मिल पाएगी तुझे तेरी मंजिल, चल चल पथिक तू चल। उठा अपनी पतवार चला, उठा अपनी पतवार चला, तू भी अपनी नाव चला, उठा अपनी पतवार चला, तू भी अपनी नाव चला, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, लघुता से ही मिल पाएगी तुझे तेरी मंजिल, चल चल पथिक तू चल, चल चल पथिक तू चल। अब तो अपनी राह चुन, अरे अब तो अपनी राह चुन, लक्ष्य बना सही पथ चुन, लक्ष्य बना सही पथ चुन, धीरता से ही मिल पाएगी, धीरता से ही मिल पाएगी तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल, चल चल पथिक तू चल, चल चल पथिक तू चल। मौसम के तू साथ बदल, मौसम के तू साथ बदल, तू धूप छांव के साथ चल, मौसम के तू साथ बदल, मौसम के तू साथ बदल, तू धूप छांव के साथ चल, निरंतरता से ही मिल पाएगी तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल, चल चल पथिक तू चल, चल चल पथिक तू चल। रुका रहा तो रुका रहेगा, रुका रहा तो रुका रहेगा, चल पड़ा तो पाकर ही रहेगा, रुका रहा तो रुका रहेगा, चल पड़ा तो पाकर ही रहेगा, साम्यता से ही मिल पाएगी, साम्यता से ही मिल पाएगी तुझे तेरी मंजिल, चल चल पथिक तू चल, चल चल पथिक तू चल। तू कल का है कर्णधार, तू कल का है कर्णधार, अपने भविष्य का आधार, तू कल का है कर्णधार, अपने भविष्य का आधार, प्रभुता से ही मिल पाएगी, प्रभुता से ही मिल पाएगी
तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल, चल चल पथिक तू चल, चल चल पथिक तू चल। तू अपनी मिसाल कायम कर, तू अपनी मिसाल कायम कर, आदर्शों को स्थापित कर। तू अपनी मिसाल कायम कर, आदर्शों को स्थापित कर, जीवटता से ही मिल पाएगी, जीवटता से ही मिल पाएगी तुझे तेरी मंजिल, चल चल पथिक तू चल, चल चल पथिक तू चल। बेहतरीन रचना रही आपकी आदरणीय रासू के जी। कह रहे हैं बहुत खूब जी। क्योंकि मोहन जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, आपकी पंक्ति को दोहरा रहे हैं, चल चल पथिक तू चल, चल चल पथिक तू चल। आदरणीय नीता जोशी जी कह रही हैं बहुत सुंदर हृदय स्पर्शी रचना। और सरला सुतारिया जी कह रही हैं बहुत ही सुंदर रचना। रानू श्रीवास्तव जी, पारुल अग्रवाल, मित्तल जी, प्रमला व्यास जी, किरण बाला किरण जी, सभी लोग आपका स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। नीता जोशी आदरणीय कह रही हैं अच्छा संदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपकी रचना के लिए। जी, अगली रचना है मेरी, धरती का श्रृंगार। स्वागत है। जी जी हाँ, मैंने बचपन में कई बार देखा, जी हाँ मैंने बचपन में कई बार देखा, इन आंखों से साक्षात देखा, इन आंखों से साक्षात देखा, धरती श्रृंगार किया करती थी, धरती श्रृंगार किया करती थी, धानी चुनरिया ओढ़ कर, धरती श्रृंगार किया करती थी, धानी चुनरिया ओढ़ कर, इंसान मेहनत करता था, इंसान मेहनत करता था, श्रमजीवी धरती पुत्र बनकर, श्रमजीवी धरती पुत्र बनकर, और आकाश बरसता था, और आकाश बरसता था मेघों को अपने साथ लेकर, और आकाश बरसता था मेघों को अपने साथ लेकर, हम गुनगुनाते थे पावस गीत, हम गुनगुनाते थे पावस गीत, अपने संगी साथियों को लेकर, अपने संगी साथियों को लेकर, यह बचपन में देखा, यह बचपन में देखा, जी हाँ अपनी आंखों से देखा, जी हाँ अपनी आंखों से देखा, और हमारी करनी पर सोचता हूं, आज वो श्रृंगार कहाँ गया धरती का, आज वो धरती का श्रृंगार कहाँ गया, धरती पीथाब सी हो गई, धरती पीताब सी हो गई, वृक्ष तले जो शीतलता थी वो जाने कहाँ खो गई, वृक्ष तले जो शीतलता थी वो जाने कहाँ खो गई, सारा संतुलन बिगड़ गया, सारा संतुलन बिगड़ गया और प्रकृति क्रुद्ध हो गई, सारा संतुलन बिगड़ गया और प्रकृति क्रुद्ध हो गई, और जैसे आकाश भी रीत गया बादलों से हीन होकर, और आकाश भी रीत गया जैसे बादलों से हीन होकर, अब कैसे करे धरती श्रृंगार, अब कैसे करे धरती श्रृंगार वैसी दुल्हनिया बनकर, अब कैसे करे धरती श्रृंगार वैसी दुल्हनिया बनकर, क्योंकि अपनी करनी का फल हमें मिला, अपनी करनी का फल हमें मिला, हमने पाई रुसवाई, अपनी करनी का फल हमें मिला, हमने पाई रुसवाइयां, क्योंकि हमारे पीछे चल रही है, क्योंकि हमारे पीछे चल रही है हमारी ही परछाई है, हमारी ही परछाई। बहुत ही सुंदर रचना रणी। प्रचंड शिव महेश तुम नमो नमम की शंकरा, महान शिव महेंद्र तुम नमो नमम की शंकरा। प्रयत्न कर बना अमर अटूट रख अखंडता, कभी न डर सदैव धर रखो अतुल प्रचंडता। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अगली रचना पर चलते हैं आपकी। और त्रिलोकी मोहन जी पुरोहित जी कह रहे हैं सारा संतुलन बिगड़ गया, यथार्थ सत्य बधाई दे रहे हैं आपको। नीता जोशी जी फिर से कमेंट कर रही हैं बहुत ही सुंदर त्रिलोकी रचना। और त्रिलोकी जी को मेरा कमलेश बहुत बहुत अभिवादन। पांडे पुष्प जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर बधाई आपको दे रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और राशु के जी भी बहुत खूब बहुत बहुत खूब तरुण जी लिख रहे हैं। और मैं पटल पर उपस्थित सभी श्रोतागण का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ द मैजिक मैन ऑफ द एन चंद्र ग्रुप पर। तो सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अगली रचना के लिए बढ़ते हैं आदरणीय। जीवन में मित्र सभी के होते हैं, मित्र को समर्पित और मित्रता को समर्पित है मेरी अगली रचना, और शीर्षक भी है मित्रता।
मित्रता सनातन है, मित्रता सनातन है, शाश्वत है, सत्य है। मित्रता सनातन है, शाश्वत है, सत्य है, हृदय स्पर्शी अनुभूति है। हृदय स्पर्शी अनुभूति है, अंतरंग अभिव्यक्ति है, अंतरंग अभिव्यक्ति है, तरल है, सरल है, यह सुकून देती है। तरल है, सरल है, यह सुकून देती है, आस्था जगाती है, संबल देती है। आस्था जगाती है, संबल देती है, विश्वास जगाती है। मित्रता आभासी नहीं, मित्रता आभासी नहीं, वास्तविक है, काल्पनिक नहीं, विश्वस्त है। पर यह जब जब स्वार्थ से गिरती, पर जब जब भी यह स्वार्थ से गिरती है, चकनाचूर हो जाती है। चकनाचूर हो जाती है, वैसे ही जैसे हमारा जीवन क्षणभंगुर है, वैसे ही जैसे हमारा जीवन क्षणभंगुर है। मित्र है तो सारा जहां नखलिस्तान है, मित्र है तो सारा जहां नखलिस्तान है, सुख और मित्रता नहीं तो फिर जीवन सूना रेगिस्तान है, सूना रेगिस्तान है। दोस्तों से है जीवन की रवानी, दोस्तों से है जीवन की रवानी, दोस्त है तो मन रूपी गलियों में खुशियां दुगनी हैं। नहीं तो मित्रों मन की गलियां, नहीं तो मित्रों मन की गलियां वीरान और सुनी है, वीरान और सुनी है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर रचना आदरणीय आपकी। प्रयास कर दहाड़ भर जवान तुम बढ़े चलो, त्यजो आलस न हो विवश मशाल बन सदा जलो। आरा तिगर उठाए सर दबोच तुम उसे वहीं, धरो पकड़ रखो जकड़ उसे भगन न दो कहीं। चलिए आगे रचना, बहुत बढ़ते हैं आपकी रचना के लिए, और सभी लोग बहुत ही सभी सुंदर रचना, कमेंट्स कर रहे हैं आपके लिए, सभी का उन आभार। सभी सभी का हार्दिक आभार करते हैं। द मैजिक मैन एंड चंदा बिल्कुल ग्रुप पर बिल्कुल, अगली रचना मेरी सभी साथियों के लिए, सभी सुनने वालों के लिए, मेरे मित्रों के लिए, मेरे शुभचिंतकों के लिए और पूरे व्यूअर्स सबके लिए, और उसका शीर्षक है आधा अधूरा नाम। जी स्वागत आधा आधा अधूरा नाम। जी स्वागत सुनो प्रिय, नायिका कह रही है, सुनो प्रिय हमारे रिश्ते की डोर को, सुनो प्रिय हमारे रिश्ते की डोर को, ऐसा वैसा कोई अधूरा नाम मत, हमारे रिश्ते की डोर को कोई ऐसा वैसा अधूरा नाम मत दो। जन्म जन्मांतर के पावन रिश्ते को, जन्म जन्मांतर के पावन रिश्ते को कोई एक पूर्णता वाला नाम दो, कोई एक पूर्णता वाला नाम दो। देखो प्रीति में, देखो प्रीति में रीति ही रीति है, देखो प्रीति में रीति ही रीति है, आसक्ति में भक्ति है, प्रेम में धर्म का मर्म है, स्नेह में दुलार का मैं है, प्यार में तकरार और इंकार है, इश्क में रश्क और अश्क है, प्रणय में लय और विलय है, उल्फत में इबादत की इबादत है, मोहब्बत में नजाकत ही नजाकत है। किसी में ढाई किसी में 3.5, किसी में ढाई किसी में 3.5, किसी में 4.5 और सारे के सारे इनमें लीन, किसी में 4.5 और सारे के वाला सारे इनमें लीन। सुनो वाला वाला इसे चाहत का नाम दे दो, इसे चाहत का नाम दे दो, इसमें न कोई वर्ण अधूरा, दिल खिलेगा पूरा पूरा। चाहत कहीं से आधी नहीं, चाहत कहीं से आधी नहीं, ढाई या 3.5 की भी बाधा नहीं, ढाई या 3.5 की भी बाधा नहीं। चाहत की है अपनी फितरत, चाहत की है अपनी फितरत, नहीं लगती है कहीं भी गफलत, नहीं लगती है कहीं भी गफलत, चाहत की चाह सुहानी लगती है, चाहत की चाह सुहानी लगती है। इनमें कुछ भी नहीं अधूरा, इसमें नहीं है कुछ भी अधूरा, बाकी सब करेगी चाहत पूरा, बाकी सब करेगी चाहत। बहुत ही सुंदर रचना सर आपकी। सभी सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर बोल रहे हैं। जी
अब मुझे लगता है आपका समय सीमा 2 मिनट रह गई है, आप छोटा सा जी, मुक्तक पढ़ सकते हैं। मैं तो सभी के लिए एक ही बात कहूंगा कि साहित्य समाज का दर्पण है और ये क्रम निरंतर चलता रहे। और एक दो पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा अंत में अपने कार्यक्रम के समापन पर। जी बिल्कुल, कल स्वागत। यहाँ कोई और था, कल यहाँ कोई और था, आज यहाँ कोई और है। कल यहाँ कोई और था, आज यहाँ कोई और है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है, आपने बहुत ही बेहतरीन रचना प्रस्तुत की। दिल से बस यूं ही बेबिने पवार पंवर जी कह रहे हैं, बहुत खूब बहुत खूब, और सभी लोग आपके लिए सुंदर सुंदर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बेहतरीन काव्य पाठ द मैजिक मैन एंड चंदा ग्रुप पर रहा, और मैं पुनः आप किसी पटल पर मिले इसी आशा के साथ आपसे विदा लूंगी।